सो गाइस, ये होने वाला है आई एम अ टाइकून इन अनदर वर्ल्ड का एपिसोड 48। तो चलो बिना ज्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम बहुत सारे गुंडे देखते हैं, जिन्हें देखकर फूड ब्रदर को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसके बाद जो फूड ब्रदर है वो शूफे से बोलता है कि तुम लोग दो यहाँ से चले जाओ और तब तक मैं इन्हें यहाँ पर रोके रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन तभी वानलिया जीजा छू आ जाती है सामने और वो बोलती है, आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें यहाँ से छोड़कर चली जाऊंगी, भाग जाऊंगी। सो फूड ब्रदर गुस्से में बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर मुझे ज्वाइन क्यों करना चाहती हो? हाँ, जल्दी से यहाँ से शूफे को लेकर भाग जाओ, समझी तुम? सो उसकी बात सुनकर लीजिया छू को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, अगर मैंने यहाँ पर से तुम्हें छोड़कर गई तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपना सर फोड़वा लोगे। तो उसकी बात सुनकर फोर्थ ब्रदर भी गुस्से में बोलता, भले से ही मेरा सिर क्यों ना फूट जाए लेकिन फिर भी मैं उनसे लड़ूंगा और तुम मेरी यहाँ पर कुछ खास मदद नहीं करने वाले होगे। सो उसके बाद ली जिया शू की आवाज आती है कि तुम्हें क्या लगता है, हाँ तुम पढ़ने में अच्छे हो तो तुम हर एक काम में अच्छे होगे। सो फूड ब्रदर की आवाज आती है, ना तो तुम पढ़ने में अच्छी हो और ना ही लड़ने में, तो यहाँ पर जल्दी से चली जाओ। और उनकी ये सारी की सारी लड़ाई वाली बातें सुनकर ना भैया शूफे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अरे भैया तुम दोनों लड़ना बंद करो। सो तभी वो दोनों चिल्लाकर बोलते हैं कि तुम बिल्कुल चुप हो जाओ और जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। उनकी बातें सुनकर यहाँ पर शूफे को पसीने आने लगते हैं। उसके बाद तभी हम देखते हैं जब फोर्थ ब्रदर दूसरी तरफ अपना फेस किए हुए था, तभी एक गुंडा आकर फोर्थ ब्रदर में मुक्का मारने वाला होता है और फोर्थ ब्रदर भी उसे नोटिस कर लेता है। लेकिन शायद से तब तक काफी ज्यादा देर हो जाती है और उन्हें वो मुक्का घल जाता है। लेकिन कहां हम भैया शूफे को भूल गए क्या? जो शूफे होता है वो कतई एटीट्यूड के साथ वहां पर आ जाता है और उसके उस पंच को बड़े ही आराम से रोक लेता है। और ये देख कर फोर्थ ब्रदर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि शूफे और लीजिया शू भी बिल्कुल हक्का बक्का रह जाती है, मुंह खुला का खुला रह जाता है कि क्या। एंड दूसरी तरफ जो शूफे होता है वो बोलता है कि हम बाकी सारी डिटेल्स के बारे में बाद में बात करेंगे। एंड बैकग्राउंड में से फिर हमें शूफे की आवाज आती है, अब मुझे जल्दी से जाना चाहिए और सीनियर सिस्टर की मदद करनी चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहां पर उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें उसी पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम गाओयांग को देखते हैं जो शायद से शियाचू से बोल रहा होता है, तुम्हें इसके बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर शादी करने के लिए फोर्स कर रहा हूँ तो तुम ऐसा सोच सकती हो, और अगर यहाँ पर तुमने मेरी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की तो तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे जूनियर ब्रदर को खत्म करवा सकता हूँ। उसके बाद जो गाओयांग होता है वो बोलता है, अगर तुम्हें इन सारे लोगों के सामने मेरा ऑफर एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही हो तो हम इस एंगेजमेंट पार्टी को जल्दी खत्म कर देते हैं और बाद में बाकी के बारे में बातें डिस्कस करेंगे। हाँ, और दूसरी तरफ जो शियाचू होती है वो बस जूनियर ब्रदर के बारे में सोच रही होती है कि उनकी हालत ठीक तो होगी ना, वो ठीक तो होंगे। उसके बाद जो गाओयांग होता है वो अपना हाथ ऊपर करके बोलता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी एंगेजमेंट शुरू हो। उसके बाद गाओयांग सारे के सारे लोगों से बोलता है कि आप सभी को इतना ज्यादा इंतजार करवाने के लिए माफ कर दीजिए, जो शियाचू है वो बस यहाँ पर थोड़ा नर्वस और शाय फील कर रही है, इसी वजह से हमें यहाँ पर थोड़ा वक्त लग गया। एंड उसके बाद गाओयांग बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ बोलता है, हमारी जो एंगेजमेंट पार्टी है अब वो स्टार्ट होती है। लेकिन अगले मोमेंट में वहां पर विस्फोट की आवाज आती है एंड बैक वहीं से हमें मतलब शूफे की आवाज आती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम सीनियर सिस्टर से शादी करने के लायक हो? एंड ये आवाज सुनकर ना गाओयांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और शियाचू यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होती है। और दूसरी तरफ हम शूफे को देखते हैं जो कि यहाँ पर कतई गुस्से में होता है और एटीट्यूड के साथ बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा सीनियर सिस्टर, मुझे आने में यहाँ पर थोड़ी देर हो गई। और दूसरी तरफ यहाँ पर सीन बदलता है और हमें लीजियाशू की आवाज आती है कि मैं तुमसे कह रही हूँ कि जरा धीरे से चलो, देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पा रही हूँ। हम देखते हैं वो दोनों वहीं पर चल रहे होते हैं। लीजियाशू बोल रही होती है कि कियांशु जरा मेरी बात तो सुनो, आगे यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद लीजिया शू फोर्थ ब्रदर से पूछती है कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारा ये जो शूफे वो एक मार्शल आर्टिस्ट निकलेगा। सो उसकी बात सुनकर वहां पर फोर्थ ब्रदर थोड़ी देर सोचता है एंड उसके बाद बोलता है कि मैंने भी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों वहां से दूसरी तरफ जाने लगते हैं। लीजिया शू बोलती है लेकिन आखिर ये सब था क्या। सो जो फोर्थ ब्रदर होता है वो बोलते हैं बाकी सारी बातें बाद में होंगी, चले यहाँ से जल्दी से चलते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी गुंडे शूफे को मारने के लिए आए थे या फिर पकड़ने के लिए आए थे उन सभी को शूफे ने अच्छे तरीके से धो दिया होता है, वो भी बिना किसी साबुन निरमा के। एंड यहाँ पर सीन बदलता है और हमें वही पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर हम गाओयांग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान होता है शूफे को यहाँ पर देखकर। वो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए हो, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? सो जो शूफे होता है वो उससे कतई स्टाइल में बोलता है कि सीनियर सिस्टर आप ठीक तो है ना, मैं पर आपको लेने के लिए आया हूं या फिर बचाने के लिए आया हूं। एंड जो शियाचू होती है वो जैसे ही शूफे को देखती है वो दौड़ कर शूफे के पास जाती है और वो तुरंत ही शूफे को गले से लगा लेती है और बोलती है कि मैं जानती थी कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए शूफे। और जो शूफे होता है वो बोलता है कि सीनियर सिस्टर मुझे माफ कर दीजिए कि मैं यहाँ पर ये सब तोड़ फोड़ करके आया और मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर काफी तेज तरीके से चिल्लाया। उसके बाद शूफे अपना हाथ उठाते हुए बोलता है
लेकिन जब मैंने ये सुना कि आप उस कमीने गावयांग से मतलब आपकी इंगेजमेंट होने वाली है, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ पर आ गया। सो उसके बाद हमें शिया चू की आवाज़ आती है, वो बोलती है कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें यहाँ पर देखकर। और जो गावयांग होता है वो उन दोनों का इतना लवी डबी प्यार देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ रहा होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझसे मजाक कर रहे हो। हाँ, उसके बाद गावयांग चिल्लाकर बोलता है कि कोई इस कचरे को यहाँ से बाहर निकालो, कोई जल्दी से इस कचरे को यहाँ से साफ करो। उसके बाद वहाँ पर कई सारे बॉडी गार्ड्स आ जाते हैं और उन्हें देखकर शुफेई बोलता है चलो देखते हैं कि आखिर किस में इतनी हिम्मत है कि वो मुझसे लड़ाई करेगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ होने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ से हमें बैकग्राउंड में से किसी की आवाज़ आती है कि आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर इसमें कितनी हिम्मत आ गई है कि वो मेरी शिया फैमिली में आकर तोड़फोड़ करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वहाँ पर एक व्हीलचेयर आने लगती है और वहाँ पर हमें किसी की आवाज़ आती है कि आजकल के ये जवान बच्चे भी ना छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं, आजकल के बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और जो वहाँ के लोग थे ना वो ये सब देख रहे थे कि भैया ये कौन है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक बुढ़ा आया था और वो बुढ़ा बोलता है अब मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे इन बच्चों के मामलों में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर फैसला मेरी पोती को लेना है और बात जब मेरी पोती की आती है तो मैं आखिर बीच में क्यों ना आऊं। उसके बाद हम उस बुड्ढे को देखते हैं जो व्हीलचेयर पर बैठा हुआ है, वो अपने कुछ लोगों से बोलता है कि मुझे वहां पर लेकर चलो। और हम देखते हैं वहां पर जो एक और आदमी होता है वो शायद से शिया चू का पापा है, वो बोलता है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और हम देखते हैं जो शिया चू का पापा होता है वो बहुत ही ज्यादा घबराया और बोलता है कि डैड आप प्लीज एक पल को मेरी बात तो सुनिए, यानी कि दोस्तों ये बुड्ढा शिया चू का दादा है और इस आदमी का पापा। एंड दूसरी तरफ हम उस बुड्ढे को देखते हैं जो खड़ा होते हुए बोलता है कि बात सुनो तुम्हारी, मैं तुम्हारी इस फालतू की घटिया बातों को सुनने के लिए नहीं आया हुआ हूँ यहाँ पर। उसके बाद वो बुड्ढा खड़ा होते हुए बोलता है तुम्हें क्या लग रहा था हा? क्या तुम सच में गाओ शेंगपेंग के साथ मिलकर सब कुछ हथिया सकते हो? अगर मैं मेरे शिया ग्रुप को तुम्हारे हाथों में सौंप देता तो तुम आज नहीं तो कल उसे पूरा का पूरा बर्बाद करके छोड़ते। उसके बाद वो बुड्ढा खड़ा होकर बोलता है वो तो भगवान का शुक्र था कि उसने मुझे एक चांद का टुकड़ा दिया, मेरी पोती दी मुझे, और मेरी पोती ही अब शिया ग्रुप को संभालेगी, और अगर मेरे पास यहाँ पर मेरी पोती नहीं होती तो अब तक मेरा जो शिया ग्रुप है वो कब का बर्बाद हो गया होता और मेरी पोती के बिना मैं भी शांति से मर भी नहीं पाता। उसके बाद वो बुड्ढा बोलता है लेकिन अब तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम शिया चू की शादी गाओ फैमिली में करवाना चाहते हो। एंड दोस्तों इन्हीं सारी बातों के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन देना, मत भूलना कि भैया अब ये बुड्ढा क्या करने वाला है क्योंकि ये बुड्ढा ना कभी राउडी टाइप लग रहा है मुझे तो। और क्या अब यहाँ पर शिया चू की शादी होगी, एंगेजमेंट होगी, मुझे तो नहीं पता, तुम लोग बस अपने जवाब कमेंट्स में बता देना। हूँ एंड इस सीरीज के आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और कुछ नई एनिमे सीरीज आने वाली हैं उन्हें देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय द वे थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।